से हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करते हैं। विषय है गणित की वर्कशीट, सप्ताह है पांचवा, कक्षा है चौथी, उपविषय है ऊंचाई, ऊंचा और छोटा। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न दिया गया है, ऊंचाई के अनुसार सबसे कम ऊंचाई वाले फूल से आरंभ करते हुए नीचे दिए गए बॉक्स में 1 से 5 तक की गिनती दीजिए। तो देखिए बच्चों, सबसे कम ऊंचाई वाला फूल कौन सा है उससे हमें आरंभ करना है, तो मतलब एक नंबर उस पर लिखना है और इस तरह से 5 तक अंक हमें लिखने हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आप सभी को यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि बच्चों यहाँ पे सबसे कम ऊंचाई वाला पेड़ कौन सा है, फूल कौन सा है, ये, फिर इससे थोड़ा ऊपर ये, फिर है ये वाला, फिर है ये और फिर है ये। तो इस तरह से हमने 1 से 5 तक की यहाँ गिनती फूलों की ऊंचाई के अनुसार हमने लिख दी है। अगला देखिए बच्चों, नीचे दिए गए चित्र में पेड़ अ और पेड़ ब से कितना मीटर छोटा है। तो देखिए बच्चों, आप सभी को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पेड़ अ की जो ऊंचाई है वो है 4 मीटर। देखिए 4 मीटर, ठीक है, और पेड़ ब की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे हम 6 मीटर। अब हमसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए चित्र में पेड़ अ से पेड़ ब से कितना मीटर छोटा है। तो ब से ब 6 मीटर का है, अ 4 मीटर का है, तो 6 में से जब हम 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 मीटर। तो हमारा यहाँ आ जाएगा उत्तर, 2 मीटर छोटा है। आया सभी को समझ में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए चित्र में सभी ब्लॉक समान हैं, यदि टेबल फैन की ऊंचाई 200 सेंटीमीटर है तो ज़मीन से सबसे ऊपरी ब्लॉक के ऊपरी किनारे की ऊंचाई कितनी सेमी होगी। तो देखिए बच्चों, हमसे बोला गया है सभी ब्लॉक समान है, सभी की देखो जो है ब्लॉक वो समान है। यदि टेबल फैन की ऊंचाई अगर हमारी 200 सेमी है, ठीक है, 200 सेमी मतलब इस फैन की ऊंचाई हमारी 200 सेमी है, तो ज़मीन से सबसे ऊपरी ब्लॉक के ऊपरी किनारे की ऊंचाई कितनी होगी। तो चलिए हमें ये ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, हमें इसकी लंबाई बतानी है, ठीक है। अब ये टेबल फैन हमारे दो ब्लॉक, अब हमारा जो टेबल फैन है ये 2 ब्लॉक के बराबर है, ठीक है। तो टेबल फैन की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 200 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम ये भी मान सकते हैं कि एक ब्लॉक की 100 है, दूसरे ब्लॉक की भी 100 होगी। तो बच्चों यहाँ पे हम आसानी से मतलब इसको जान सकते हैं कि इसकी लंबाई कितनी होगी। अगर एक ब्लॉक 100 है तो यहाँ पे हमारे 5 ब्लॉक है, तो 5 ब्लॉक की ऊंचाई कितनी होगी, सभी को अगर हम 100 मान ले तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, 500 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई हमने निकाल ली कि ये 500 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। अब अगला तरीका देखिए बच्चों, अब बच्चों देखिए दूसरा तरीका मैं आपको यहाँ बताती हूँ। देखिए बच्चों, टेबल फैन जो है हमारा, टेबल फैन उसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है बच्चों, 200 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बच्चों और ब्लॉक कितने हैं, ब्लॉक इसमें कितने हैं, 2 ब्लॉक हैं, ये आप सभी को दिख रहा है, 2 ब्लॉक हैं, ठीक है। तो एक ब्लॉक की ऊंचाई कितनी होगी, एक ब्लॉक की ऊंचाई तो हम इसको 200 से 2 को भाग देंगे तो ये हो जाएगी हमारी 100। अब 100 है तो हमारे ब्लॉक कितने हैं, 5, तो हम 5 को 100 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा 500 सेंटीमीटर। बच्चों दोनों ही तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आया सभी को समझ में अच्छे से कि किस तरह से हमने ये करा। तो देखिए बच्चों, मैं फिर से आप सभी को समझा देती हूँ कि देखो टेबल फैन की ऊंचाई है हमारी 200 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्लॉक कितने हैं, 2 ब्लॉकों में आई है इसकी ऊंचाई। तो बच्चों देखिए, एक ब्लॉक की ऊंचाई निकालेंगे हम, 200 को 2 से गुणा करेंगे तो आई हमारी 100, और ब्लॉक कितने हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 हैं तो हम इसको 5 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 500 सेंटीमीटर। आया सभी को समझ में अच्छे से। अगला प्रश्न देखिए बच्चों,
निम्नलिखित प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही या गलत का चयन करें। देखिए, 1 मीटर 1000 सेंटीमीटर के बराबर होता है, क्या ये सही है या गलत? तो ये है हमारे गलत। 1 सेंटीमीटर हमारा 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। आप सभी इस चीज़ का ध्यान रखिए। 1 पेड़ पौधे से लंबा होता है, ये सही है। पौधा हमारा छोटा होता है, पौधा बड़ा होके पेड़ बनता है। हम मेज़ की ऊंचाई को किलोमीटर में मापते हैं, तो बच्चों किलोमीटर में क्या मेज़ की जो ऊंचाई है उसको किलोमीटर में मापेंगे? तो ये गलत है। हम इसकी ऊंचाई को मीटर में मापते हैं। आपकी कमरे की ऊंचाई 3 मीटर से अधिक है, तो ये भी हमारा सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, किसी इमारत की ऊंचाई मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई सबसे उपयुक्त है? बच्चों अगर हम किसी इमारत की ऊंचाई को मापेंगे, किसी भी इमारत की ऊंचाई को, तो बच्चों उसके लिए हमें कौन सी इकाई सबसे उपयुक्त मानेंगे? मीटर। मीटर में हम ऊंचाई को मापेंगे। प्रश्न नंबर 6, 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई का क्रिसमस पेड़ बनाकर रंग भरे और उसके साथ इस क्रिसमस पेड़ से 2 सेंटीमीटर कम ऊंचाई वाला एक सांता क्लॉज बनाएं। अब बच्चों आप सभी, आपके पास स्केल होगा तो स्केल से नापेंगे, तो 6 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो इतना बड़ा हमारा क्रिसमस ट्री बन जाएगा। तो आप सभी बच्चों क्रिसमस ट्री बनाएंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बनाएंगे सभी, और इसमें रंग भी भरेंगे, सभी भरेंगे इस तरह से बना के, और पेड़ की ऊंचाई से 2 सेंटीमीटर कम, तो यहाँ, तो इतनी ऊंचाई में यहाँ से यहाँ तक आपको एक सांता क्लॉज भी बनाना है। तो आप सभी इस बॉक्स में सांता क्लॉज बनाएंगे और उसमें रंग भरेंगे। तो ये हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर का सांता क्लॉज, और ये 6 सेंटीमीटर का क्या हो गया हमारा, क्या हुआ बच्चों? क्रिसमस पेड़। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखिए हमारा। यदि पंकज अनुज से लंबा है और अनुज सौम्य से लंबा है, तो उनमें से सबसे लंबा कौन है? तो देखिए बच्चों, आपको बताती हूँ मैं। यदि पंकज अनुज से लंबा है, पंकज अनुज से लंबा है, ठीक है, और अनुज सौम्य से लंबा है, और अनुज सौम्य से लंबा है, तो इनमें सबसे लंबा कौन हुआ? पंकज। तो हम यहाँ लगाएंगे पंकज पे सही निशान। प्रश्न नंबर अगला देखिए, 8 हमसे क्या कह रहा है। यदि मीना की ऊंचाई 130 सेंटीमीटर है और आश्रित की ऊंचाई मीना से 10 सेंटीमीटर अधिक है, तो देखिए बच्चों मीना की ऊंचाई कितनी है? मीना की ऊंचाई 130 सेंटीमीटर है, सभी को पता है, यहाँ दे रखा है, ठीक है, और आश्रित की ऊंचाई कितनी है? तो आश्रित की ऊंचाई मीना की ऊंचाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है, तो 130 में 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 140 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया हमसे, तब आश्रित की ऊंचाई खाली स्थान सेंटीमीटर होगी, तो कितनी होगी? तो यहाँ हम लिखेंगे 140 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आया सभी को अच्छे से समझ में? यहाँ पर हमें क्या लिखना है, ठीक है। अब अगला देखिए, जीवन कौशल, समय प्रबंधन। समय बहुत कीमती है, अगर इसे बर्बाद किया गया तो ये वापस नहीं आएगा, ये आप सभी को पता है। समय ही सफलता की चाबी है। स्कूलों, कार्यालय, रेलवे इत्यादि में भी कार्य का सुचारू रूप से करने के लिए एक समय सारणी होती है। करण एक होशियार और सक्रिय बच्चा है। उसने अपने पूरे दिन के क्रियाकलापों को सुचारू रूप से करने के लिए एक समय सारणी बना रखी है, जैसे कि नीचे दिखाया गया है। अब आप अपने पूरे दिन के क्रियाकलापों को नीचे दी गई तालिका में अपनी समय सारणी अनुसार भरें। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। करण की समय सारणी, यहाँ करण की समय सारणी दी गई है, और यहाँ पर आपकी समय सारणी आप सभी को लिखनी है। तो देखिए बच्चों कैसे लिखेंगे आप, नित्य कर्म, व्यायाम एवं नहाना, तो ये 6 से 7 बजे तक करता है, तो आप भी लिखेंगे 6 से 7 बजे तक, 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा। नाश्ता 7 से 8, 1 घंटा, तो आप भी अपना यहाँ लिखेंगे 1 घंटा।
पढ़ाई 8 से 11, तो आप यहाँ लिखेंगे 8 से 12, यहाँ 4 घंटे आप पढ़ाई को देते हैं, ठीक है। आराम, आराम को आप 11 से 1 है, तो यहाँ मैं इसको 12 से 1 देती हूँ, 1 घंटा, ठीक है बच्चों। अगला है टीवी या स्मार्टफोन देखना 1 से 3, तो यहाँ मैं 1 PM से 3 PM तक, तो ये हो गए मेरे 2 घंटे। पढ़ाई 3 PM से 5 PM तक, तो ये हो गए 2 घंटे। खेलना 5 से 5 PM से 7 PM तक, तो ये हो गए 2 घंटे। रुचिकर कार्य 7 से 9, तो 7 PM से 9 PM तक, 2 घंटे। रात का भोजन 9 PM से 10 PM तक, तो यहाँ मैं भी लिखूँगी 9 PM से 10 PM तक, 1 घंटे में 1 घंटा। और अगला है मेरा सोना 10 से 6, तो यहाँ मैं लिखूँगी 10 PM से 6 PM तक, AM तक, सॉरी। तो बच्चों देखिए, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप ध्यान से इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। और आप सभी बच्चों अपना अपना समय यहाँ लिखें, मैंने अपना समय यहाँ लिख के आपको बताया है। अब देखिए, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि समय प्रबंधन हमारे जीवन में ज़रूरी है? तो बच्चों, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि जो समय प्रबंधन है वो हमारे जीवन में ज़रूरी क्यों है? तो बच्चों देखिए, हम ऐसा इसलिए सोचते हैं ताकि जो हमारे जो काम हैं, ताकि हमारे जो कार्य हैं, ठीक है, वह समय पे पूरे हो सके। तो देखिए बच्चों, ये जो प्रश्न है आपको समझने के लिए है, लिखने के लिए नहीं है, तो आप इनको ध्यान से समझें, ठीक है। दूसरा देखिए, तुम लोगों को समय सारणी के अनुसार काम करते हुए कहाँ कहाँ देखते हो? तो बच्चों, तुम लोगों को समय से काम करते हुए कहाँ कहाँ देखते हो? जैसे बच्चों, आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में भी देखते होंगे, ठीक है। रेलवे घर जाते हैं तो रेलवे में भी आप देखते होंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, कॉलेज, स्कूल, रेलवे, अस्पताल, डाकघर आदि में आपने देखा होगा कि सभी काम जो है वो समय सारणी के अनुसार होते हैं, ठीक है। अगला देखिए बच्चों, संस्कार शाला, छोटी छोड़ी पर बड़ी बातें। पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसला बनाकर नहीं देते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। खाना पीना, घर में बना शीतल पेय जैसे नींबू पानी, शरबत, रसना, जल जीरा इत्यादि पीना, गतिविधि, अपने कमरे से आयताकार चीज़ों के नाम की लिस्ट बनाओ, खेल, रस्सी कूदना, दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें, अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिए और संतुलित आहार लें, खूब अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं, अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट को हल करना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों, आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी चैनल को सब्सक्राइब करना कोई ना भूले। चैनल है बच्चों हमारा जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस।